वेलकम बैक गाइस हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज का कॉन्सेप्ट तो आपको पता लग गया होगा कि जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि परफेक्ट शेडो जो मैं भी ट्राई करता हूँ वो कैसे बनानी है। तो बिना किसी फालतू टाइम के फालतू बात के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स गो गाइस। तो आ चुके हैं यार हम उस एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे हम करेंगे शेडो की मेकिंग, जहाँ पे हम शेडो बनाएंगे। तो गाइस सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये जो फेस पे एक्स्ट्रा मास्क है इसको भी इरेज कर लेते हैं, और ये टैग तो फाइनली पहले ही इरेज था। तो अब देखते हैं गाइस जो हमारा मॉडल है हम उसको लेके आते हैं जिसका हम पिक कट किया था, ठीक है। जब हम मतलब पिक कट करके बैकग्राउंड एडिट करते हैं तभी शेडो की प्रॉब्लम आती है। तो हम सबसे पहले यहाँ हाइड पॉइंटर है, यहाँ पे हम शो पॉइंटर कर लेंगे, और नीचे हम पेन वाला टूल बना लेंगे। यहाँ पे हम ब्रश का साइज़ भी देख सकते हैं, तो नीचे जहाँ पे ब्रश लिखा आप वहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर ले सकते हो इजीली। तो वहाँ से ब्रश का साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक एम्प्टी लेयर बनानी है, और उस एम्प्टी लेयर को रखना है अपने मॉडल के नीचे, ठीक है। तो उसके बाद गाइज आप जो हमारी लेयर है ना उसको सिलेक्ट करके, और मतलब ऊपर वाली सिलेक्ट लेयर नहीं होनी चाहिए, जो हमारी एम्प्टी लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको शेडो बनानी है आप वहाँ पे सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लो। तो आपको तो एक बार लगेगा कि जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि क्या यार क्या बंदा क्या कर रहा है, पर आपको समझ बाद में आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने शेडो बनानी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे शेडो बनानी है, और यहाँ पे जो लेग के पास है मतलब अपनी लेफ्ट साइड से सन है, मतलब जो भी है सन लाइट आ रही है, और राइट साइड में शेडो है, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं सिंपली गाइज एफएक्स टूल पे जाके लेते हैं ब्लर। तो ब्लर हम 79 रखेंगे, तो देखिए कितना शेडो बन चुका है, मज़ेदार एकदम मज़ेदार शेडो लग रहा है भाइयों। तो अगर आपको भी ये शेडो अच्छा लग रहा है तो हम किसी और फोटो पे भी ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला तो नहीं, ये वाला तो आपको मैंने उसमें थंबनेल में दिखाई दिया। तो हम ट्राई करते हैं इस वाले पे। तो देखिए इस पे पीछे बैकग्राउंड है, मतलब वॉल है, बट इस वॉल पे वो नहीं है जो हमारा क्या कहते हैं क्या कह सकते हैं इसको, जो हमारा शेडो नहीं है, मेन शेडो भी तो बना रहे हैं हम। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से शो पॉइंटर, और जो हमारा राइट साइड है मैं जहाँ पे शेडो बनाना चाहता हूँ वहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर लेना है। और जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी ऐसे सिंपली, अबे जितना ड्रॉ करना भाई जितना ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो ऐसा देखना नहीं है मैंने, कि इतना कर दिया इतना कर दिया। तो देखिए सिंपली शेडो बन चुका है, और हमारे फेस हैंड और लेग के बीच में भी हम शेडो ड्रॉ करते हैं। तो पहले फेस की बारी, अब दूसरी बारी है हैंड की। तो हैंड के भी राइट में ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, और थोड़ा सा नीचे भी। तो अब इसको भी कर लेते हैं एफएक्स पे जाके ब्लर, इसको भी 79.1 रख लेते हैं। अगर इसका ज़्यादा भी करना हो ना तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 80 वगैरह, ठीक है। कम करना हो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कितना मतलब शेडो लग रहा है ना, मज़ेदार भाई। ऐसे सिंपली आप मतलब किसी भी बैकग्राउंड पे अगर आप शेडो चाहते हो तो सिंपली उसको एफएक्स करके ब्लर कर देना। ब्लर करने के बाद आप सिंपली उस पर वो बना सकते हो शेडो। तो अब ये मैं थोड़ी सी लेग पे भी बना देता हूँ अपनी, और थोड़ी सी यहाँ पे गाड़ी पे भी, क्योंकि गाड़ी का भी होना चाहिए। अब गाड़ी का क्या था कि गाड़ी उसके नीचे आ गई तो उसको मैंने गाड़ी के पीछे भी कर दिया, ठीक है। तो वो शेडो गाड़ी के पीछे बन गई, और ये देखिए सिंपली लग रहा है ना, मतलब कितना अच्छा लग रहा है भाई। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पीछे पीछे चला गया वो सभी और वो हो गया, और ये बिना शेडो के और शेडो के, ये देखिए शेडो कितनी मज़ेदार लग रही है। अब इसको एडिट भी करेंगे तो और कितना निखर के आएगा भाई, तो खुश तो हो सकते हो यार आप, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ में वाले बेल नोटिफिकेशन को दबा दो कि ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो जाते जाते यार लाइक जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलते हैं आपको अगली ऐसी एक और वीडियो में। अगली वीडियो में भी एडिटिंग की आएगी, एडिटिंग ट्यूटोरियल आएगा, और वो तो नहीं आएगा, मैं ऐसे कोई नहीं आएगा कि हाउ टू ये नहीं आएगा, एडिटिंग ट्यूटोरियल आएगा। तो आपको किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए आप वो भी मेरे को बता दो, और इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं पिक पहले अपलोड कर लेता हूँ। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।